बहुत बंदे वहां पे तो। बाप रे कितने किल्स मिले मेरे को। सो हे गाइस, वेलकम बैक एंड फाइनली 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 ये नहीं कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल लॉन्च हो गया है, वो तो कल ही हो गया था, बट द ये मेरे थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें क्या दुख बताऊँ, तुम्हारे अपने क्या चालूंगा। सो तुम ऑब्वियसली आप एंटरटेनमेंट होने के लिए आए हो, सो मैं वो बताने नहीं वाला कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैं दुख नहीं शेयर करने वाला कुछ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा हूँ सब्सक्राइब। अब आए ना लाइन पे। सो नहीं वो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मेरा मतलब मूड भी नहीं था बनाने का, लाइक सेकंड टाइम भी, फर्स्ट टाइम चलो मैंने बोला कि बना लेते यार ऐसा वैसा, सेकंड टाइम हुआ इतना मूड खराब हो गया मेरा, लाइक साउंड नहीं आई थी सेकंड टाइम। ठीक है मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको। सो एपेक्स लेजेंड मोबाइल लॉन्च हो गया है। सो राइट नाउ इस वीडियो में टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे हम टीडीएम के बारे में बात करने वाले, क्योंकि इसका टीडीएम इतना मेरे को मज़ेदार लगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट लगा मेरे को। कौन सा भी मोबाइल का टीडीएम उठा लो या फिर वो क्या बोलते काउंटर स्ट्राइक जैसा वो डेथ मैच कुछ भी लगा लो, ये मेरे को बेस्ट लगा। बेस्ट क्यों तुम देख लो वीडियो में समझ जाएगा, क्योंकि इतना सही है यार। मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो राइट नाउ इसमें तीन मैप है, एक पार्टी क्रैशर, इसमें वो मिराज का वो क्या इसका मिराज व्याज कुछ नाम था इसका, वो क्रैश हो जाती है और वो हमेशा उस पर पार्टी करता है, इसलिए इसका नाम पार्टी क्रैशर है। एक है मार्केट, ये इसका है क्या नाम था उसका, किंग्स कैनियन। किंग्स कैनियन का मैप में का एक छोटा सा पार्ट है, अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, बट मार्केट इतना ओपन एरिया नहीं है, थोड़ा क्लोज क्लोज सा, इसलिए कोई कोई लेजेंड जैसे पाथ फाइंडर लाइफ लाइन इतना सही परफॉर्म नहीं करता। स्पेशली पाथ फाइंडर के लिए तो लॉन्ग क्या बोलते बड़ा एरिया चाहिए, जैसे आर्टिलरी, आर्टिलरी इतना सही है पाथ फाइंडर के लिए, जिप लाइन्स एंड ग्रैपल्स बहुत सही है। सो राइट नाउ पार्टी क्रैशर है, 8 मिनट वो रहने वाला है, उसके बाद मार्केट आने वाला है। सो हम चालू करते हैं। मेरे को इतना पसंद आया ये बैटल रॉयल से ज़्यादा मेरे को ये गेम टीडीएम के लिए बहुत पसंद आया है। मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी का टीडीएम बहुत पसंद था, बट ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है मेरे को तो लगा है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। इसका अरीना अभी तक अनलॉक नहीं हुआ, मेरे को और एक लेवल चाहिए फिर मैं लेवल 10 हो जाऊँगा, फिर रैंक एंड अरीना खुल जाएंगे मेरे। लेवल 5 पे ही खुल जाते हैं मेरे, राइट नाउ लेवल 9 है। सो कर रहा हूँ आ जाएंगे वीडियोज़, आ जाएंगे, डोंट वरी सब्सक्राइब करो यार तुम बस। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैं बस एपेक्स का कंटेंट ही नहीं डालने वाला हूँ, मैं माइनक्राफ्ट GTA 5 हर एक चीज़ डालने वाला हूँ। सो इस मैप पे मैं पाथ फाइंडर ही लेता हूँ या फिर ऑक्टेन लूँ। पाथ फाइंडर ले लिया किसने तो भी, चलो ऑक्टेन ले लेता हूँ या फिर बैंगलोर लेता हूँ मैं। चलो सो मैं दो वेपन्स हमेशा लेता हूँ, वो है RCO1 एंड वोल्ट, बेस्ट है ये RCO1 लॉन्ग रेंज के लिए एंड वोल्ट क्लोज रेंज के लिए, इतना सही हो जाता है यार। लाइक इसका रिकॉइल बहुत कम है, बहुत कम है। मैं एक वीडियो भी बनाने वाला था बेस्ट क्या वो वेपन्स के ऊपर, बट मैंने सोचा कि यार मेरा गेमिंग चैनल है ना कि कोई इंफॉर्मेशनल चैनल। सो तुम बताओ कमेंट्स में क्या चाहिए कि तुम्हें बेस्ट लेजेंड का या फिर ऐसा कुछ वीडियो मैंने बनाया है, बेस्ट वेपन का नहीं बनाया, तब कुछ कंटेंट ही नहीं डाल रहा था मैं, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे वीडियोस डाल देता हूँ। सो बताओ तुम देखने में इंटरेस्टेड हो क्या या बस गेम प्ले ही चाहिए। मैं बोला ना वोल्ट बहुत बहुत सही है क्लोज रेंज में। अरे ऊपर कहाँ पे जा रहा है तू ब्रो, आ रहा हूँ मैं तेरे पीछे। क्रैक्ट है वो, क्रैक है। अरे किसने मारा। अरे थैंक यू यार, थैंक यू भाई। रेत क्या नाम है तेरा, अजीब ही नाम है, जान दो वैसे नहीं सीनो। अरे यार आ गया ऑक्टेन। लॉलो था वो, लॉन्ग रेंज के लिए ये अच्छी गन नहीं है। 3 किल हो गई, हेडशॉट नाइस। अरे ये क्या बोलते हैं वो चला रहा है, क्या चला रहा, विंगमैन चला रहा था वो।
चार किलो गए स्ट्रिक कहाँ पे वापस इतनी दूर कैसे चले गए ये? अरे तेरे पीछे ऑलमोस्ट क्रैक था वो। ऑलमोस्ट यार नाइस मर गया। नहीं असिस्ट मिला मेरे को। इतना दूर नहीं जा रहा मैं। और कहाँ पे है? इनटू द वॉइड कर देती यार वे जब देखो तब। अरे यार अरे कहाँ पे है? हाँ नाइस मर गया वो पहले। गन स्विच कर लो कहाँ पे भाग जाओ। अरे यार अंदर घुसना था मेरे को। क्या पता वो पीछे आने वाली है। ऑब्वियसली यस आएंगी वो। मैं भी काइपन बोलती हूँ। हील नहीं करना था मेरे को। इसको तो मार के ही जाऊंगा मैं। मारा उसको मैंने क्योंकि दो एक साथ आ रहे हैं। हेल्थ लो थी मेरी। चलो मेरा अल्टीमेट रेडी हो गया। और एक था ना यहाँ पे लाइफ लाइन। वो लाइफ लाइन अच्छी खेल रही है। मतलब उसने पीसी वर्जन खेला होगा आई गेस या फिर वो बस प्रो हो गई है। अरे क्या हो गया मेरे शॉट्स को। अरे क्या हो गया। नाइस क्या हो गया था वो बीच में। वो एडिट कर लूँगा मैं कोई ना कोई ना। ओह स्नाइप क्या क्या उसने कौन सी गन। हाँ क्रेवर मिली ना हेडशॉट दिया। नाइस नाइस अच्छा खेल रहा था वो लाइफ लाइन अच्छा खेल रही। ऊपर कौन था वो। हाँ यहाँ पे ही गिरेगा वो। सैड लाइफ ब्रदर। यहाँ पे ऑक्टेन था। क्रैक 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 मरा नहीं हुआ। हाँ मैं वही सोचूं। अरे भाई पीछे भी देखा करो यार। सीधा लूटने जा रही है। मैंने तारीफ क्या कर। A few moments later. लाइफ लाइन आ गई वापस। वो क्या है। बीबी ने अपना अर्ट डाल दिया। क्या हुआ तो बीच में ऑटो जंप क्या। कहाँ पे बंदे कहाँ पे चले गए। लाइफ लाइन क्रेबर मत चला तू। इसको मारते पहले। इजी टारगेट है। जीत गए। लॉल वो लाइफ लाइन कुछ करी नहीं। अरे बाप रे इतना क्लोज था। ओहो मेरे को बहुत मजा आया। आपको भी आया होगा या फिर खेला होगा तो। अच्छा मेरे सबसे ज़्यादा किल्स है। यो वो लाइफ लाइन कौन थी क्या पता। बहुत सही खेल रही थी। फाइनली लेवल 10 हो गई। पैक मिला मेरे को ओपन करने का। करते हैं क्लेम करते पहले। दो पैक है मेरे पास। नहीं एक ही है क्या दो है? पिंक मिला मेरे को फाइनली। फर्स्ट टाइम मेरे को पिंक मिला है। क्या है वो बैनर फ्रेम है। किसकी है किसकी बैनर फ्रेम है क्या पता। पीस कीपर तो क्या। अरे पाथ फाइंडर की है। नाइस और है कि मेरे पास खोलते सब बेसिक मिला मेरे को। बेसिक नहीं क्या बोलते उसको। गिबी के दो सेम स्किन मिले। सो 15 सेकेंड्स रुक जाते उसके बाद ये भी डाउनलोड करते ना। 2.18 MB 2 GB का नहीं अच्छा 21.8 अच्छा वो पॉइंट दिख रहा है तुम्हें। एरिना भी खेलने का क्या क्या एरिना पे एरिना क्या पता वॉट एवर समझ लो। कन्वर्सेशन नहीं समझ गए ना बस हो गया। क्या बोल रहा था मैं। हाँ एरिना के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा ना। ये बस टीडीएम मेरे को टीडीएम बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली ये क्या तीन मैप्स है और तीनों बहुत अच्छे हैं। प्ले मार्केट
मार्केट में मेरे को विंगमैन अच्छे से चलाने आती है। विंगमैन बहुत सही डैमेज करती है, स्पेशली वो स्कल पियर्सर के साथ 100 का डैमेज, बाप रे हेड शॉट पे, मतलब 2 बुलेट एंड तुम चले गए। सो ये यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट होती है, सो मैं ये R301 की जगह विंगमैन लेता हूँ 2X के साथ। और वोल्ट तो वोल्ट है भाई, वोल्ट को कोई बीट ही नहीं कर सकता क्लोज रेंज में। हाँ वो अल्टरनेटर अच्छी है बट उसका रिकॉइल ज़्यादा है, सो ना यहाँ पे बस स्नाइप करती है, स्नाइप करके बैठ जाते सब, स्नाइप नहीं एम लेके बैठ जाते। देखा एक शॉट एक शॉट एक शॉट, अरे साइड से आ गया। एक हेड शॉट भी मर गया ना तुम्हारे, डायरेक्ट 100 का डैमेज होता है, वही तो बोला मैंने, सो इट्स ह्यूज। देखा डेड, बहुत बंदे वहां पे तो। बाप रे कितने किल्स मिले मेरे को, इतना दनादन। ग्रेनेड ग्रेनेड को लोग देख नहीं पा रहे क्या? अरे ऐसा मैम ऐसा नहीं आने का। लो बोला मैम ऐसा नहीं आने का, बट आप बात ही नहीं सुनती मेरी। यहाँ पे बंदे हैं, भागो 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 भागो। अरे नहीं मैं नहीं मार पाऊंगा इसको, लैग हो गया मेरा, हील हो गई है वो। फाइनली मार दिया भाई, क्या चालू था ये क्या पता। उफ यहाँ पे कोई इंसान नहीं क्या? उसके मेरे को गन शॉट दिख रहे, लॉल उसके वो गन शॉट्स मेरे को दिखाई दे रहे थे स्मोक में से। मेरे पास स्मोक्स नहीं है, भाग सकता हूँ क्या मैं? भागो भागो भागो। अरे नहीं 15 सेकेंड्स बंद करो इसको। भाग लिया मैंने तो, भाग लिया मैं। उफ 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 क्या क्लोज क्लोज था ये। एफ के आए गए, जीत भी गए हम भाई, इतना छोटी मैच थी ना। मैंने बोला ना विंगमैन बहुत सही है इस मैप पे, स्पेशली क्या है मार्केट मार्केट में इतनी सही है विंगमैन। 8 के लिए बस, कोई ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 11 के लिए ना, क्लोज थे क्लोज थे। वो एंड में मैंने थोड़ा थोड़ा पैनिक कर दिया, और बीच में वो रेत के साथ थोड़ा सा पैनिक हो गया था, क्योंकि क्लोज क्योंकि उस पर 2X था मेरे विंगमैन पर, क्योंकि मेरे को फिर ठीक से दिखाई नहीं गया। कोई ना कोई ना। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मेरे को पता है बहुत सारे जनों में से तुम नए व्यूअर्स हो, सो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाओ, और भी वीडियोस आएंगे वो भी चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो फाइनली कर लो। इसके रैंक मोड्स भी आने वाले हैं, सॉरी TDM पे मैं और 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया है, मैं रेगुलर खेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है बेस्ट TDM है, वन ऑफ दी। सबके अलग अलग चॉइस रहती है, सो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये बेस्ट है, मानना ही पड़ेगा। मेरे को पसंद आया है। एरिना पे भी वीडियोस आएंगी, एंड बैटल रॉयल पे भी कल वीडियोस आएंगी। आज मेरे को डालनी थी, और मेरे को ये मोड बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। सो बाय बाय, कल मिलते हैं होपफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।